आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी भ्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल एमबी इंटर कॉलेज मैदान का जनपद प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, शहरी विकास एवं संस्कृति कार्य मंत्री बंशीधर भगत व अधिकारियों के साथ जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एवं लोनिवी के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल में मंच, बैठने की व्यवस्था का लेआउट प्लान के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया, साथ ही पार्किंग स्थल के बारे में भी बताया गया। वहीं सीएम धामी ने हरीश रावत के वायरल ट्वीट को लेकर कहा कि कांग्रेस में गुट चल रहे हैं और वो खुद अपने नेता को तय नहीं कर पा रहे हैं। सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और बहुत उत्साह है लोगों में माननीय प्रधानमंत्री को लेकर, और पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 के अंत तक अभी तक 1 लाख करोड़ योजनाओं की यहां पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। अभी देहरादून में 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था। हल्द्वानी में भी लगभग 1,000 करोड़ की योजनाएँ जो हमारी यहाँ पर तैयार हो रही हैं, बहुत सारी योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास दोनों होना है। क्या जमरानी भी है? जमरानी बात की ऑलरेडी सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है, क्योंकि वो हमारा नाबार्ड पोषित योजना है और उस योजना वो प्रक्रिया के अंतर्गत है, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है। अभी देखते हैं उसमें जैसा भी होगा नाबार्ड के लोगों के द्वारा जो बात करने के बाद, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं हैं, अन्य अन्य योजनाएं हैं, उन सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि सब लोग आए। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में जोरदार विरोध किया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस का पुतला लेकर पहुंचे थे और पुलिस के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। कार्यकर्ताओं ने युवाओं को रोजगार और ISBT की मांग की। महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं लेकिन वह केवल चुनाव को देखते हो रही है। ISBT और रिंग रोड की बात हर जगह होती है लेकिन आज तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की विफलता को लोगों के सामने लाएगी। कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद टेस्टिंग को बढ़ाया गया है तो कोरोना वायरस के केस भी बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला BD पांडे हॉस्पिटल से सामने आया है। BD पांडे पुरुष चिकित्सालय नैनीताल में 12 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी शेरवुड स्टाफ क्वार्टर तल्लीताल के रहने वाले हैं। कोविड प्रसार की प्रबल संभावना को देखते हुए कोविड प्रसार की रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शेरवुड स्टाफ क्वार्टर तल्लीताल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया। उन्होंने कहा, अग्रिम आदेशों तक समस्त गतिविधियों को स्थगित रखते हुए बाहरी व्यक्तियों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। गुरुवार को पावो में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में PM मोदी के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड और 18,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि विकास कार्यों के लिए दी है। उन्होंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन को पहुँचाने के मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को भी साकार किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के नौगांव खाल, किरकू, रिवांडा और मासों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपने देखा होगा पावर स्टेशन होता है और पावर स्टेशन से बिजली के तार जुड़े होते हैं और वो कनेक्शन हमारे घर तक पहुंचता है, तभी हमारे घर में बिजली जलती है, हमारे गांव में बिजली जलती है। अगर वो कनेक्शन का फ्यूज उड़ जाए, कनेक्शन अवरुद्ध हो जाए तो हमारे गांव में बिजली नहीं जलेगी। सरकार में भी पावर हाउस हमारी केंद्र की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है। अगर हमारा राज्य उससे जुड़ा रहेगा तो हमारे राज्य को सहायता मिलती रहेगी। नए साल से पहले उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड राज्य मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 24 दिसंबर को कुमाऊं में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम थोड़ा से करवट बदलेगा। इसी बदली के साथ 25 दिसंबर को कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 26 दिसंबर को हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। 27 दिसंबर को लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। कुमाऊं के अधिकांश जगहों पर इस दिन हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बर्फबारी होने की संभावना है। नए साल का जश्न मनाने का आ रहे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है।